रहमान रहीम, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गाइडलाइंस ऑफ नेक एनाटॉमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक की बोन्स का, स्पेसिफिकली जिसके अंदर हाइवाइड बोन और सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बोन्स ऑफ नेक या सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा अगेन वाइवा में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपने KLM से करने हैं वो मैं आपको निशान लगवा लेता हूँ। आपने तमाम एटिपिकल वर्टिब्रा जो C1, C2 और C7 होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इनकी वो प्रॉपर्टीज़ जिनकी वजह से इनको एटिपिकल बोला जाता है। जिस तरह C1 एटलस, इसको एटिपिकल इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो बॉडी नहीं होती। C2 वर्टिब्रा, इसका एक ओडेंटॉइड या डेंस प्रोसेस होता है। वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, क्योंकि इसकी लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो फिर इनकी आपने वो प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है जिसकी वजह से इनको एटिपिकल बोला जाता है। और दूसरी तरफ आपने ये याद रखना है कि जो टिपिकल वर्टिब्रा कौन कौन से होते हैं, 3, 4, 5, 6, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जिस तरह उनकी बॉडी स्मॉल होती है, लॉन्गर होती है साइड टू साइड, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपने देखनी है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट MCQ भी आ सकता है, वो है फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया। जो फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया, ये सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा में ही वर्टिब्रल आर्टरी पास करती है जो नेक के अंदर होती है। तो फिर वर्टिब्रल वेसल्स जो सी, आपने याद रखना है सी सेवन में से वर्टिब्रल आर्टरी पास नहीं करती, बाकी सारों से वर्टिब्रल आर्टरी पास करती है, बाकी सारों के फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया से पास करती है। अगर हम बात करते हैं हाइवाइड बोन, तो हाइवाइड बोन ना ही वाइव में पूछी जाती है, ना ही SAQ में, ना ही MCQ में। सिर्फ हाइवाइड बोन के ऊपर एक या दो नंबर का OSP पॉइंट लग जाता है, वो इसके मॉडल पे आता है। तो फिर आप हाइवाइड बोन के कुछ पार्ट्स को देख सकते हो, क्या इसका ग्रेटर हॉर्न होता है, लेजर हॉर्न होता है, बॉडी होती है। और हाइवाइड बोन स्पेसिफिक आर्च से निकलती है, फेरेंजियल आर्च 2 से, फेरेंजियल आर्च 3 से। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हमने एम्ब्रियो के अंदर कवर कर चुके हैं, जैसे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हेड एंड नेक। अगर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो प्लैटिज्मा, तो प्लैटिज्मा की आपने फंक्शन देख लेनी है कि अगर सुपीरियर अटैचमेंट से क्या काम करेगा और इन्फीरियर अटैचमेंट से क्या काम करेगा, ठीक है। तो इनके फंक्शन एग्जाम में आ सकते हैं। अगर हम क्लिनिकल्स की बात करते हैं, तो क्लिनिकल में आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम के फ्रैक्चर होने की वजह से क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, फ्रैक्चर ऑफ हाइवाइड बोन किन के अंदर होती है और इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं डीप सर्वाइकल फेशिया, तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक KLM के अंदर इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इस टॉपिक को यहाँ से ना कवर करो, बल्कि इस टॉपिक को आप कवर करो BD से। तो BD से मैं आपको दिखा देता हूँ ये टॉपिक लिखा हुआ किस जगह पे है, सर्वाइकल फेशिया। लेकिन टॉपिक तो आपने करना है, थ्योरी तो करनी BD से, लेकिन इसके क्लिनिकल्स आपने KLM से ही करनी है। पहले मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ कि थ्योरी कहाँ पर लिखी हुई है, जो सर्वाइकल फेशिया चैप्टर नंबर 4 के अंदर BD पे, सॉरी चैप्टर नंबर 3 में आना, चैप्टर नंबर 3 में ये आपको फेशिया नजर आ रहे, ये वाला डीप सर्वाइकल फेशिया। डीप सर्वाइकल फेशिया यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, और यहीं से ही एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ आपने यहाँ से करना है, लेकिन क्लिनिकल एनाटॉमी आपने यहाँ से नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से आपको कन्फ्यूजन प्रोड्यूस कर देगी, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स भी है क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। तो आप क्लिनिकल एनाटॉमी को BD से नहीं करना, लेकिन जो प्री ट्रैकल फेशिया और प्री वर्टिब्रल फेशिया, कैरोटिड शीथ, इनके कंटेंट ये आपने करने हैं। जो कैरोटिड शीथ, इसको तो आपने कभी छोड़ना ही नहीं, कैरोटिड शीथ के कंटेंट को, कैरोटिड शीथ की इसकी डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम जिसके अंदर कैरोटिड शीथ के कंटेंट नजर आ रहे हो, ठीक है, सरफेस व्यू और एक क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो आपने इस डायग्राम को अच्छे से करना है, कैरोटिड शीथ के कंटेंट को देखना है, बाकी भी आपने BD से तैयार करना है। रेट्रोफेरेंजियल स्पेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्रीज पूछी जाती है और इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी। रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लिम्फ नोड की एक इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है पस की वजह से, ठीक हो गया, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है कोल्ड एब्सेस के साथ। तो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैटरल फेरेंजियल स्पेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक हो गया। बाकी स्टर्नोक्लेडोमास्टाइट तो नेक्स्ट उसमें वर्किंग डे के अंदर आएगा। तो बक्कोफेरेंजियल फेशिया, फेरेंजियल वेरिजियल फेशिया, तमाम फेशिया ये आपने करने हैं BD से। लेकिन दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन फेशिया से रिलेटेड क्लिनिकल एनाटॉमी वो आपने BD से तैयार नहीं करनी, वो आपने क्लिनिकल एनाटॉमी या क्लिनिकल प्रॉब्लम्स ये आपने करने हैं क्लिनिकल बॉक्स KLM से। यहाँ पर पैरालिसिस और प्लैटिज्मा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपको ये आना चाहिए, जो सेपरेट ऑफ इन्फेक्शंस इन नेक, तो मैंने सर कुछ यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, आप अपनी बुक के ऊपर लिख सकती हो कि अगर इन्फेक्शन इन्वेस्टिंग लेयर और मस्कुलर लेयर के दरमियान से पास करे तो वो मैन्यूब्रियम इन्वेस्टिंग लेयर और विसरल लेयर के दरमियान से पास करे तो वो पेरिकार्डियम के एंटीरियरली पास कर सकता है, और अगर वो पस जो प्री वर्टिब्रल लेयर से पोस्टीरियरली पास करे तो वो लैटरली प्रोजेक्ट करते हुए स्वेलिंग बनाती है स्टर्नोक्लेडोमास्टाइट के पोस्टीरियरली। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप यहीं से अपनी बुक के ऊपर लिख लो, बाकी हमने क्लिनिकल नोट्स के अंदर भी इसको कवर किया हुआ है। इस चैप्टर के जो बॉटम लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप बॉटम लाइन को आपने KLM से ही करना है। बॉटम लाइन का मतलब यहाँ पे जो येलो बॉक्स होता है इसमें सारी समरी लिखी हुई होती है, तो ये आप KLM से अच्छे से कर लेना।
ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये बताता है सर्वाइकल फेशिया की इंपॉर्टेंस, और ये सर्वाइकल फेशिया की इंपॉर्टेंस आपको बीडी के अंदर नहीं मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंस आपने यहाँ से देख लेनी है, येलो बॉक्स देख लेना है, ब्लू बॉक्स देख लेना है, लेकिन थ्योरी के लिए आपने बीडी से तैयार करना है। बोन सर्वाइकल वर्टिब्रा, आपने एटिपिकल वर्टिब्रा की प्रॉपर्टीज को देखना है, एटलस के ऊपर जो अटैचमेंट्स होती है ये भी एग्जाम के अंदर आती है, ये आपने करनी है बीडी से। और मैं आपको कहता हूँ कि कोई ना कोई आप इसकी वीडियो देख लेना सर्वाइकल वर्टिब्रा की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सर्वाइकल वर्टिब्रा किधर है। तो ये ऑक्सीपिटल बोन, ये सर ये एटलस के ऊपर अटैचमेंट क्या पूछा जाता है वाइवा के अंदर, तो वाइवा के अंदर आपने एटलस के अटैचमेंट को अच्छे से तैयार करना है। ठीक हो गया, एटलस की अटैचमेंट, और एटलस और एक्सिस के दरमियान एक जॉइंट बनता है एटलैंटोक्सियल जॉइंट, तो आपको ये पता होना चाहिए ये किस टाइप का जॉइंट है, तो ये पाइवोट वैरायटी का जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है इस वाले सेक्शन के अंदर। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, शॉर्ट सी वीडियो, तो फिर इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल बनाएगा तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।